जय श्री कृष्णा एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल अरुणा गौतम। मैं हूं अरुणा और आज मैं बनाने वाली हूं आटे की पंजीरी की रेसिपी। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं आटे की पंजीरी। तो कढ़ाई में 2 चम्मच देसी घी मैंने लिया है और इसे थोड़ा सा मेल्ट होने देंगे। उसके बाद 2 कटोरी आटा मैं इसमें डाल रही हूँ। तो ये जो आटे की पंजीरी है, ज़्यादातर मुख्यतः जन्माष्टमी पर या जब भी सत्यनारायण की कथा करवाते हैं तब बनाई जाती है। प्रसाद के रूप में इसे बनाया जाता है। तो इस आटे को हमें बहुत अच्छे तरीके से भूनना है 15 से 20 मिनट तक, या जब तक इसका कलर बिल्कुल चेंज ना हो जाए। और सिम गैस पर ही भूनना है। मीडियम से सिम आप कर सकते हैं, बट रेगुलर चलाते हुए इसे भूनेंगे। अगर हम इसे बीच में छोड़ देंगे तो आटा जल जाएगा और हमारी पंजीरी बिल्कुल अच्छी नहीं बनेगी। तो इवनली इसे हमें भूनना है। तो यहाँ पर हल्का कलर चेंज हो गया है और ये देखिए हमारा आटा काफी अच्छे से भून चुका है और एकदम लाल हो गया है और अच्छी सी खुशबू आने लगी है। तो यहाँ पर हमारी पंजीरी जो है, पंजीरी का आटा बिल्कुल भुन चुका है और अब मैं इसमें डाल रही हूँ थोड़े से मखाने जो हैं उनको मैंने कट कर लिया है। तो 8 से 10 मखाने मैंने इसमें डाल दिए हैं और 2 चम्मच के करीब ये जो नारियल कच्चा नारियल होता है सूखा नारियल, उसको छोटे छोटे पीसेज में कट कर लिया है और थोड़े से काजू को मैंने कट कर लिया है इस तरह से 8 से 10, और उतने ही बादाम मैंने इस तरह से चॉप कर लिए हैं और इनको भी मैं 2 से 3 मिनट तक अच्छे से भूनूंगी, जब तक ये सारे ड्राई फ्रूट्स अच्छे से पक ना जाएं। इस तरह से करने पर जब हम इन्हें खाते हैं तो बहुत ही क्रंची फ्लेवर आता है। तो 2 से 3 मिनट तक हम इन सबको भून लेंगे अच्छे से और आटा भी हमारा काफ़ी लाल हो चुका है, बहुत अच्छे तरीके से भून गया है। और इसमें 1 चुटकी इलायची का पाउडर मैं डाल रही हूँ, ये बिल्कुल ऑप्शनल है, और इसे भी चलाते हुए अच्छे तरीके से भून लेंगे। बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। और इस पंजीरी को ज़्यादातर चरणामृत या पंचामृत जिसे कहते हैं उसके साथ खाया जाता है, या फिर बाद में जब बच जाता है तो इसे इसमें दही मिलाकर खाने में बहुत मज़ा आता है, क्योंकि हम ऐसे ही खाते हैं। और ये देखिए हमारी जो पंजीरी है वो बिल्कुल बन गई है और अब मैं इसे एक अलग से बर्तन में निकाल लूँगी और इसको बहुत अच्छे से ठंडा कर लेंगे। उसके बाद हम इसमें बूरा मिलाएंगे, बूरा या चीनी आप कुछ भी मिला सकते हैं, गरम गरम में नहीं मिलाना है वरना जो चीनी है हमारी वो बिल्कुल मेल्ट हो जाएगी। तो इसे अच्छे से ठंडा होने देंगे, उसके बाद इसमें हम बूरा मिलाएंगे। तो यहाँ पर जो पंजीरी है वो बिल्कुल ठंडी हो चुकी है और 1 कटोरी मैं इसमें बूरा मिला रही हूँ। पिसी हुई चीनी भी मिला सकते हैं या देसी खांड है वो भी मिला सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे बूरा मिला रही हूँ और अच्छे से मिक्स कर लेंगे इसको। तो अच्छे से मिक्स कर लिया। आप चाहें तो हाथों की हेल्प से भी इसे मिक्स कर सकते हैं ताकि इवनली जो है पूरी पंजीरी में चीनी अच्छे से मिक्स हो जाए। तो ये हमारी पंजीरी बनके तैयार। और भोग लगाने से पहले थोड़े से तुलसी के पत्ते जो हैं इस पर आप इसमें मिक्स कर दीजिए, तो आपका भोग जो है आटे की पंजीरी का वो बनके बिल्कुल तैयार हो गया है। तो इस जन्माष्टमी ज़रूर बनाइए आटे की ये पंजीरी। मिलते हैं एक और नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। Thank you.